डिजाइनिंग फॉर वॉइस है, पिक्चरिंग हाउ कंप्यूटर लिसन टू स्पीच, कि इस चीज़ को हम पिक्चर करके देखेंगे कि कंप्यूटर जो है ना वो स्पीच को देखता कैसे है, सुनता कैसे, क्या उसको समझ आता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर स्पीक, तो सुनता कैसे कंप्यूटर और बाप पलट के जवाब कैसे देता है, तो ये वाली बात सारी होगी। द बेस्ट टेक्नोलॉजी कम्स टू अवर लाइफ टू वे, ग्रेजुअली एंड देन सडनली। कह रहे हैं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना हमारी ज़िंदगी में, तो पहले वो ग्रेजुअली आती है, स्लो स्लो थोड़ी थोड़ी करके, और फिर एकदम वो हमारे ज़िंदगी का एक अहम पार्ट बन जाता है। तो फॉर डेकेड्स वी ड्रीम्ड कंप्यूटर्स टू होम वी कुड स्पीक। कह रहे हैं कि हमने कई दहाइयों से, दहाई कहते हैं 10 साल के पीरियड, तो कई डेकेड्स से हमने ख्वाब देखा है कि ऐसे कंप्यूटर जिनसे हम बात कर सकें। वी ग्रेजुअली गॉट सम ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन, और फिर वो अब अमेज़ॉन के आने के बाद मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना आर वंडरिंग हाउ दे कैन एवर गॉट बाय विदाउट इट। कि अमेज़ॉन एलेक्सा जब नया नया आया था उसकी बात है ये, कि लोग ये सोच रहे थे कि अब इसके बगैर ज़िंदगी हमारी कैसी होगी, अगर हुई तो। अच्छा, द एको बॉट वॉइस फर्स्ट कंप्यूटिंग टू आवर डेली लाइव्स। वॉइस फर्स्ट कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था अमेज़ॉन एलेक्सा ने, ठीक है। अच्छा, गूगल असिस्टेंट भी बाद में आया है, अमेज़ॉन एलेक्सा जो है वो उससे भी पहले है, सबसे पहले अमेज़ॉन एलेक्सा ही आया है। अच्छा, सीरी बाय द वे उससे भी पहले से था बहुत, लेकिन वो कुछ पर्पस नहीं था उसका, ठीक है, अभी भी नहीं है बाय द वे, अभी भी वो बेसिक सिर्फ सी चीज़ें करता है और कुछ भी नहीं कर सकता सीरी। तो हाँ नहीं, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन अब उस अभी इस लेवल का इंटेलिजेंट नहीं है कि उससे मैं ऑल फॉल सवाल पूछो, कोई भी सीधा मना करता है वो सीरी। हाँ, वेब का रिजल्ट ला के दे देगा, तो कोई जनरल क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा वो, कि व्हाट इज़ योर नेम बोलोगे तो वो बता देगा कि आई एम सीरी, आई एम योर असिस्टेंट, दैट्स इट, व्हाट इज़ योर एज, व्हाट, ये सब का जवाब नहीं देता भाई वो, बहुत एटीट्यूड मतलब है, ठीक है, क्योंकि कोई मजाक मस्ती नहीं, मतलब क्योंकि एप्पल की जो प्रोडक्ट्स है ना, एप्पल की प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइनर थिंग, तो ये डिज़ाइन को लेके ना बहुत सेंसिटिव है ये, और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है ये, डिज़ाइन कॉन्शियस है, कि कोई भी चीज़ ना ऐसी, मतलब इनकी साइकोलॉजी है ये, और इनका ये सेलिंग पॉइंट भी यही है, क्योंकि जो बंदा आईफोन का यूज़र नहीं है ना, उसको आप समझा नहीं सकते कि इसमें क्या है, क्योंकि आपको, लेकिन अभी अभी डिज़ाइन की डिस्कशन हुई है तो इसलिए आपको मैं समझा सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि यार एक बटन भी होगा ना अगर, तो जब तक उसका डिज़ाइन एलिमेंट डोमिनेंट नहीं होगा ना, वो बटन वहाँ होगा नहीं। तो जब तक डिज़ाइन एलिमेंट डोमिनेंट नहीं हो जाता ना, जब तक कोई चीज़ वो लाने नहीं देते, और जाहिर है क्योंकि पैसे वाला बंदा आमतौर पे उनके फ़ोन अफोर्ड कर पाता है, तो पैसे वाले बंदे के लिए ना ये मजाक मस्ती नहीं चाहिए उसको, उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, दैट्स इट। तो ये डिज़ाइन को लेकर बड़े कॉन्शियस हैं वो, तो यही एक, ये भी एक वजह है कि उन्होंने ये मस्ती मजाक वाली चीज़ें अभी तक डाली नहीं है। तो आप देखें कि वो या तो वो चलेगा या तो वो बंद हो जाएगा, बीच का कोई आइटम नहीं है। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन आमतौर पे कंप्लेन करते हैं लोग कि वो स्लो होती हैं, उनमें ऐप्स वगैरह स्लो होती हैं, फ़ोन इटसेल्फ स्लो होते हैं, 8-8 GB रैम होती है उसमें, क्वाड कोर प्रोसेसर होते हैं, लेकिन फ़ोन स्लो है। तो ये वाला मसला उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने बोला भाई फ़ोन चलेगा तो स्मूथ चलेगा, वरना नहीं चले। तो कह रहे हैं कि इफ़ यू आर रीडिंग दिस बुक, तो आप ऑलरेडी, आपका इंट्रोडक्शन इन चीज़ों से हो चुका है, जब भी आप यहाँ बुक तक पहुँचे हो, थोड़ा बहुत क्या आप डिवाइस यूज़ की होगी आपने, कुछ तो किया होगा आपने, ठीक है। तो ये कुछ अब बता रहा है कि भाई बिल्डिंग अ वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म मीन्स फोकसिंग ऑन बिग प्लेयर्स इन वॉइस फर्स्ट टूडे, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दीज आर द कंपनीज दैट हैव ओपन देयर प्लेटफॉर्म फॉर डिवेलपर्स to developer driven extension allow us to build the voice first apps। अच्छा, तो ये बात कर रहा है कि Alexa पे अपनी ऐप बना के आप अपलोड करते थे जो, और Google असिस्टेंट पे Dialogflow पे बना के Google असिस्टेंट में पब्लिश करते, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। Dialogflow की इंटीग्रेशन जो Google असिस्टेंट के लिए, वो डिसकंटिन्यू होने जा रही है, उन्होंने बोल दिया ये। बट दिस, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि दिस बुक इज़ नॉट अबाउट Alexa और Google असिस्टेंट, दिस इज़ जनरल थिंग, तो हम जनरल वाली चीज़ें पढ़ेंगे इससे। तो कह रहे हैं कि भाई वॉइस कंट्रोल इज़ फार फ्रॉम न्यू आइडिया,
कह रहे हैं कि कोई ये नया आइडिया नहीं है. नॉट ओनली हैव वी सीन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंप्यूटर इन पॉप कल्चर, द जेटसन, द स्टार ट्रैक एंड द स्पेस ओडिसी 2001, ये कुछ इसने मूवी और कार्टून के नाम लिखे हैं. तो जेटसन्स में वो उन्होंने ये बात दिखाई है कि वो कंप्यूटर से बात करता है, बंदा बात करके ऑपरेशन होता है सारा. स्टार ट्रैक में भी ये चीज़ दिखाई है कि वो कहते हैं कि कंप्यूटर व्हाट्स द डैमेज, अगर उनकी स्पेस शिप होती है उस पर हमला होता है तो वो कहते हैं कि कंप्यूटर व्हाट्स द डैमेज, तो वो डैमेज बताता है कि भाई फला जगह ये डैमेज है, फला जगह ये डैमेज हुआ है. ठीक है, फिर वो कहते हैं कंप्यूटर प्रिपेयर द मिसाइल टू अटैक, तो वो प्रिपेयर हो जाता है. वो कहते हैं फायर, मिसाइल फायर हो जाता है. फिर वो उनको कहीं जाना होता है जब, तो वो कहते हैं कि भाई टेक अस टू फला फला गैलेक्सी, तो वो कंप्यूटर कहता है कि कैलकुलेटिंग कर रहा हूँ. फिर वो कहता है एग्जीक्यूट, तो वो कहता है कि 3, 2, 1 और हुप, फिर वार्प स्पीड में वो ट्रैवल करते हैं ना, शुप करके वो ऐसे, उनका लाइट स्पीड से भी तेज़ उनका शिप चलता है. तो उसमें वो पूरा कंप्यूटर से बात कर रहा होता है बंदा. इवन दो उसमें ये भी एक सीन है कि वो टाइम ट्रैवल करके पीछे आते हैं टाइम में, वो तो पीछे जब आते हैं टाइम में तो वहाँ पे माउस कीबोर्ड वाले कंप्यूटर होते हैं. तो वो क्या करता है, माउस को उठा लेता है और कहता है कंप्यूटर कैलकुलेट दिस दिस दिस. तो वो बंदा होता है ना, तो वो उसको कहता है कि भाई इस तरह नहीं होगा. तो वो कहता है कि माउस रखो, कीबोर्ड से चलाओ इसको. तो फिर कीबोर्ड से ऐसे करके बोलता है कि कंप्यूटर डू दिस दिस, कहता है नहीं भाई ये टाइप करना पड़ेगा इसमें, वो सब नहीं है इसमें. तो वो इतना यूज टू हो चुका होता है कि वो उसको कोफ्त होती है, कहता है ओफ. फिर वो टक 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 टाइप शुरू करता है. वो सीन आप देखेंगे स्टार ट्रैक में, वो सीन है जो कह रहे हैं कि भाई हम बहुत ज़माने से हमने ये ख्वाब देखा हुआ था. तो अच्छा, अब इसने जो बात की है कि बट मोस्ट ऑफ अस हैव बीन इंटरेक्टिंग विद इट फॉर ईयर्स, कह रहे हैं कि वॉइस एप्लीकेशंस हम सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं. स्टार ट्रैक वाले कंप्यूटर तो अभी तक बने नहीं हैं, अभी तक नहीं बने, 2022-2023 में हम जो बैठे हैं 2023 में. लेकिन ये क्लेम कर रहा है कि भाई वी हैव बीन यूजिंग वॉइस कंप्यूटर्स, वॉइस कंप्यूटिंग फॉर ईयर्स नाउ, सालों से यूज़ कर रहे हैं. कोई बता पाएगा कि क्यों ऐसा कह रहा है ये? नहीं, ऐसा इसलिए कि आपने बुक नहीं पढ़ी है वाली. सही है, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि इसके सर्टेन चैप्टर्स आपने पढ़ के आना है, वो आपने नहीं पढ़ी इसलिए ऐसा है. नहीं है क्योंकि अगली लाइन में इसने लिखा हुआ है कि डोंट बिलीव मी कॉल योर बैंक और योर फेवरेट एयरलाइन, आस्क योर सेल्फ ऑन द अदर साइड. कह रहा है कि जब आप अपने बैंक को कॉल करते हैं या हमारे केस में टेलीनॉर के कस्टमर सर्विस को हम कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा बैलेंस क्यों कट गया, या कोई भी जो भी कंप्लेन होती है आपकी, या के इलेक्ट्रिक को कॉल मिलाते हैं आप कहते हैं यार लाइट नहीं है, वो पूछता है कब से नहीं है, आप कहते हैं फला देर से नहीं है, अपना वो बता दें आप एड्रेस कन्फर्म कर दें, ओके हो गया. ये वॉइस कंप्यूटिंग ही तो है, आप बोल रहे हैं, सामने से सुन रहा है, कुछ एग्जीक्यूशन हो रही है, कंप्लेन नोट डाउन हो गई ना, गाड़ी आ गई ना आपके घर पर, तो इसका मतलब है कि आपके बोलने से हुआ ये सारा कुछ. कह रहे हैं कि वॉइस एप्लीकेशन एग्जिस्ट टू हेल्प यूजर कंप्लीट देयर गोल्स मोर एफिशिएंटली बाय पासिंग डेटा बिटवीन कन्वर्सेशनल एक्टर्स एंड यूजिंग कन्वर्सेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट हैव इवॉल्व्ड ओवर मिलेनिया. कह रहे हैं कि वॉइस एप्लीकेशन ना इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आया है, इसी चीज़ को स्पीड अप करने के लिए आया है. इन दिस बुक वी विल यूज जावास्क्रिप्ट नॉट जेएस टू डिजाइन वॉइस इंटरफेसेस दैट यूजर विल एंजॉय यूजिंग. कह रहे हैं कि इस बुक में नॉट जेएस और जावास्क्रिप्ट के जरिए वॉइस एप्लीकेशन पूरी पूरी बनाना सिखाएंगे. अच्छा, अब ये बुक पूरी तो हम पढ़ेंगे नहीं, आप चाहें तो पूरी पढ़ सकते हैं. अलेक्सा इसमें पूरा कवर्ड है, और इसके अंदर जो है आपका वो गूगल असिस्टेंट की जो डायलॉग फ्लो, नहीं बगैर डायलॉग फ्लो के जो SDK से बनने वाली ऐप है वो पूरी कवर्ड है इसके अंदर. अच्छा, यू विल लर्न अबाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरपिनिंग्स ऑफ बिल्डिंग वॉइस, How develop these voice first experiences? तो आप ना, एक होता है design, ठीक है, एक होता है development. Development developer जो होता है उसका, उसको design बना के मिलता है कि भाई ऐसा होना चाहिए. Developer मैंने मजदूर जो बना रहा है, actual मजदूर जो है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन होगा इतने फिट की ऊंचाई पे और इतने फिट उसकी गोलाई होगी. ये डिज़ाइन उसको स्क्रिप्ट बना के मिलेगी.
उसको ये बना के मिलेगा कि इसकी छत कितनी हाइट पे रखनी है, वो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं कि इस हाइट पे क्यों है, उसका काम नहीं है वो, डेवलपर का काम है डेवलप कर देना, बना देना, उसको डिज़ाइनर बना के देगा पहले से, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइनर जब डिज़ाइन करता है वो क्या डिज़ाइन कर रहा होता है, एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहा होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहा होता है कि इस रूम का जो भी डिज़ाइनर अगर कोई है, मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, तो उसने जो डिज़ाइन किया है ना वो इस रूम का एक्सपीरियंस डिज़ाइन किया। अच्छा, इस रूम का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है सही है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस रूम के साथ बहुत ख़राब रहा है। तो अगर किस कोई डिज़ाइनर अगर है इस रूम का, तो वो बड़ा ख़राब डिज़ाइन किया उसने एक्सपीरियंस तो डिज़ाइनर जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करता है। अब एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करने में क्या चीज़ है कि भाई यहाँ पे बैठ के वो ठंडा फील करेगा, गर्म फील करेगा, है ना, यहाँ पे शोर कितना होगा, बाहर की नॉइज़ कितना आ रहा होगा, फिर यहाँ पे जो, क्योंकि ये एक टीचिंग की क्लास के लिए बनाई गई है ये जगह, तो यहाँ पे टीचिंग करना कितना कन्वीनियंस है, प्रोजेक्टर क्या यहाँ पे होना बेस्ट था या कहीं और होना चाहिए था इसको, ठीक है। तो हीट कूल के मामले में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। प्रोजेक्टर ऑन अदर एंड जो है शायद अच्छी जगह पे लगा हुआ है, प्रोजेक्टर की क्वालिटी शायद इतनी हाई एंड नहीं है, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स हैं एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ों का अच्छा भी है अगर कुछ चीज़ों का बुरा है। तो हमेशा डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है वो एक्सपीरियंस डिज़ाइन करता है, ठीक है। अच्छा, आपने ये सुना भी होगा कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, ठीक है। तो डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, कि कोई भी जैसे कोई मोबाइल फ़ोन अगर डिज़ाइन हो रहा है, जैसे एप्पल के डिवाइसेस जो है, आई एंजॉय यूजिंग दैट डिवाइस, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा है, चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों में बेटर है, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर एंड्रॉयड यूज़ करता आया हूँ। मैं रिसेंटली मूव हुआ हूँ, मतलब 4-5 साल हुए हैं मुझे मूव हुए एप्पल के इकोसिस्टम पे। लैपटॉप भी मेरे पास पहले वो विंडोज़ वाला था, तो वो टोटली मेरे समझ आ गया। तो दुनिया भर के डेवलपर ना ये मैकबुक यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा यार कोई तो रीज़न होगा कि यार मैं भी करके देख लेता हूँ, क्योंकि विंडोज़ वाले में मैंने सबसे हाई एंड लेके देख लिया था, वो भी स्लो चलता था। डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम है वो, तो बड़ा प्रोसेसर लगाने से हल थोड़ी हो जाएगा वो मसला, वो डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम है। तो जो एक्सपीरियंस जो है एप्पल इकोसिस्टम का, बेस्ट तो नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन उस वाले से बेहतर है जो मैं पहले यूज़ करता था, समझ लो। तो इस डिवाइस को अगर डिज़ाइन किया जा रहा है ना, ये बात बोली जा रही है कि डिज़ाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस डिवाइस को जब कोई यूज़ करेगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, फंक्शनैलिटी तो होगी उसकी, लेकिन फंक्शनैलिटी से मुझे लेना देना नहीं है। मतलब अगर एक एग्जॉस्ट फैन यहाँ से हीट को कैसे बाहर करता है वो मेरा मसला नहीं है, वो डिज़ाइनर समझे, उसका काम समझे कि डिज़ाइनर ने कैसे उसकी फंक्शनैलिटी को मतलब मामले में शामिल किया है। मेरा ये होगा कि मुझे गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, मैं तो ये बात जानता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए एज अ एंड यूज़र डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अब ये डिज़ाइनर के सोचने की चीज़ है कि अच्छा है डिज़ाइन फंक्शनल होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए, अच्छा वो होना चाहिए, वो सारा है नहीं। तो दो साइड है, एक शॉप के अंदर खड़ा हुआ दुकानदार होता है, एक शॉप में सामान खरीदने बंदा आता है, तो दोनों का पर्सपेक्टिव, दोनों के जो कंसर्न हैं वो अलग अलग होते हैं। डिज़ाइनर का कंसर्न ये कम से कम पैसे में, कम से कम रिसोर्स में, बगैर एसी के इस कमरे को ठंडा कर दिया जाए, वो उसका मसला है। मैं आऊँगा ना, मेरा इससे लेना देना नहीं है कि यहाँ बिल ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, एसी ठंडा कर रहा है या बगैर एसी के ठंडा हो रहा है। मेरा बोले मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, मैं बोलूँगा वाह यार क्या बात है, सही है। तो ये दो साइड्स हैं एक्चुअली। अच्छा, तो हम अभी कौन सी साइड पर खड़े हैं एज अ डिवेलपर? हम दोनों साइड में से किसी साइड पर भी नहीं है, सही है ना। हम डिज़ाइनर हैं ना हम एंड यूज़र हैं, हम डिवेलपर हैं। हमें डिज़ाइनर बोलता है कि यार ये कर दो, हम वो कर देंगे एग्जीक्यूट। अब वो डिज़ाइनर ने जो चाहा था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, उससे हमारा लेना देना नहीं है। फिर एंड यूज़र जो आएगा उसको यूज़ करेगा उस एप्लीकेशन को, उसका एक्सपीरियंस कैसा है उससे भी हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप फ्रीलांस में काम करते हैं तो यू आर नॉट जस्ट अ डिवेलपर, आप वहाँ पर डिज़ाइनर भी होते हैं, आप वहाँ पर यूज़र भी होते हैं और आप वहाँ पर डेवलपर भी होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तो इस वजह से। अच्छा, उसके अलावा भी आपका डेवलपर होना जो है वो इम्प्रूव हो जाता है अगर आपको डिज़ाइन की थोड़ी बहुत सेंस हो, क्योंकि आपको डिज़ाइनर से बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसी वर्क स्पेस में भी। तो आपको अगर ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी ना,
तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये एक्सपीरियंस डिज़ाइन करने की बात है, तो हम अभी जो इस बुक में डिस्कस होंगी ना चीज़ें आएंगी, वो डिज़ाइनर वाली चीज़ें हैं सारी, हमारा काम नहीं है वो एज अ डेवलपर, ठीक है। अच्छा, लेकिन चैटबॉट के अंदर ना एक अजीब फिनोमेना कह लो इसको आप, ये आम तौर पे क्या होता है चैटबॉट में कि डेवलपर ही डिज़ाइनर होता है। अब ये भी एक फैक्ट है जो लोगों को हजम शायद अभी भी नहीं हुआ, लेकिन मैं ये पर्सनली इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जो चैटबॉट के अंदर में डिज़ाइनर और डेवलपर अलग नहीं है, एक ही है, एक ही बंदा होगा जो दोनों काम कर रहा होगा। जो बहुत कोई बड़े बजट का प्रोजेक्ट होगा उसमें एक डिज़ाइनर होगा, लेकिन वो जस्ट सुपरविजन करेगा और चीज़ों को पिक एंड चूज करके ना उसको इम्प्रूव करेगा, दैट्स इट। ओवरऑल काम डेवलपर ही कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हाउ टू डेवलप दीज वॉइस फर्स्ट एक्सपीरियंसेस, ये जुमले पे बात हो रही थी कि कैसे इस वॉइस फर्स्ट डिवाइस का जो एक्सपीरियंस है ना वो कैसे डिज़ाइन किया जाए। ऐप नहीं बोल रही, एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो दैट इज़ एन एक्सपीरियंस जब आप बात करते हैं चैटबॉट से, तो ये ऐप की बात कर रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस इसने वर्ड यूज़ किया है। तो कह रहा है कि वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म आर स्टिल इन देयर नेसेंट डेज। अच्छा, ये बुक कोई बहुत पुरानी नहीं है, 3-4 साल पुरानी बुक है, 2018 में शायद ये आई है, तो 3-4 साल पुरानी बुक है, लेकिन वो अभी भी बात ट्रू है कि अपने अर्ली डेज में है ये। अच्छा, तो अभी इसने कोई लंबी बात की है यहाँ पर, वो आप पढ़ सकते हैं, खुद ही पढ़ लीजिएगा वो। अब हम आ जाते हैं सीधा मुद्दे पे कि व्हाट इज़ वॉइस फर्स्ट। वॉइस फर्स्ट इटसेल्फ है क्या? एक तो वॉइस फर्स्ट ये होता है ना कि जब शुरू शुरू में वेबसाइट आई तो हर कंपनी को अपने बिजनेस की एक वेबसाइट चाहिए थी, है ना। अच्छा, फिर थोड़े दिनों में ये हुआ कि वो वेबसाइट ही टोटल बिजनेस भी बनना शुरू हो गया, जैसे फेसबुक इज़ अ टोटली वेबसाइट एंड दैट इज़ अ बिजनेस एज वेल, वो उसी वेबसाइट से पैसे भी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, पूरा एम्पायर चला रहा है, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनली ये होता था कि एक दुकान होती थी, उसकी एक वेबसाइट होती थी, उस पर बस वो देखते थे बंदे आगे, फर्स्ट जनरेशन वेबसाइट थी ना, वेब 1.0, बस लिखा होता था, बंदे देखते थे, फोटो लगी हुई होती थी, देखते थे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता था उसमें। फिर वो 2.0 आया कि अच्छा यार अब उस बाय भी कर सकता है, लॉग इन साइनअप भी कर सकता है उस दुकान की वेबसाइट के ऊपर, ये 2.0 आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, वेब 2.0 के रहते रहते में मोबाइल्स आ गए, मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है, और मोबाइल डिवाइसेस कॉमन होना शुरू हो गई, जो छोटी निस्बतन छोटी स्क्रीन होती थी उसकी कंप्यूटर से। अब क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि भाई वेबसाइट तो चाहिए हमें, लेकिन मेरा मेन यूज़र जो है वो आता है मोबाइल से, मोबाइल है उसके पास, कंप्यूटर पे बहुत कम लोग कंप्यूटर पर बैठ के वेबसाइट को बोलते हैं, दिख रहा होता है एनालिटिक्स में कि कौन से डिवाइस ज़्यादा है, कौन से स्क्रीन साइजेस ज़्यादा है। तो मार्केट में डिमांड बढ़ना शुरू हो गई मोबाइल फर्स्ट की। मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स जो होती थी वो क्या होता था कि उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करके समटाइम या समटाइम मोबाइल ऐप डेडिकेटेडली बना के किसी भी वेबसाइट को ना, उसका पहला फोकस होता था मोबाइल। ये मोबाइल फर्स्ट का एक बूम आया था 2012-13 में, ठीक है, या 2010 में कह लो, क्योंकि 2007 में ये आईफोन रिलीज़ हो गया था, तो बहुत हाइप बन गई थी इसकी और लोग ने बहुत ख़रीदना शुरू कर दिया था। मोबाइल उससे पहले भी थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा रेवोल्यूशन कर दिया था, इन्हें फुल टच स्क्रीन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था, उससे पहले फुल टच स्क्रीन नहीं होता था, और क्या कहते हैं स्क्रीन की जो क्वालिटी वगैरह है, फिर कैपेसिटिव टच जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, पहले लोगों को पता नहीं था, पहले लोग स्टाइलस से करते थे, एक तीली होती थी छोटी सी, उससे स्क्रीन को टच करके चलाते थे। हाँ नहीं, वो अब तो वो दूसरा हो गया, लेकिन शुरू में जो आते थे ना, जो पहला उनका जो था वो स्टाइलस वाला, फुल टच स्क्रीन तो आया ही कैपेसिटिव है, वो स्टाइलस में नहीं आया कभी भी। जैसे मिसाल के तौर पे एटीएम मशीन पे जब जाते थे ना, पुरानी एटीएम मशीन पे, तो ऐसा लगता था ना स्क्रीन पे एक पन्नी है, आप जब दबाते हो तो स्क्रीन लिटरली अंदर दबती थी, एक वो था टच स्क्रीन, ठीक है, और एक अभी वाला टच स्क्रीन है कि ग्लास है, जब टच करते हो तो कुछ अंदर दबता नहीं है, आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से वो सेंस करता है कि यहाँ टच हुआ है ना, तो ये कैपेसिटिव है। अभी वाला जो है ना, जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में जो टच है वो कैपेसिटिव है, इवन दो कि अब एटीएम में भी वो पुराना वाला नहीं रहा, वो भी कैपेसिटिव ही है सारा। तो वो पुराने ज़माने की बात है, पन्नी सी चढ़ी होती थी स्क्रीन पे, पन्नी होती थी, दबाते थे लिटरली दबता था, तो वो टच होता था।
और वो वाला टच आपको देखने को मिलेगा नोकिया के फोन्स में। नोकिया का जो उस ज़माने में एक फ़ोन होता था उसका ई सीरीज़ होती थी, E91 था मालूम, E91 लिखा ना मैंने। उस वक्त के जो स्मार्टफोन होते थे ना वो कुछ इस तरह के होते थे, ठीक है। ये हमारा सबसे फेवरेट फोन हुआ करता था ये, अच्छा मगर ये टच वाला नहीं है। हाँ बस ये वाहियात ही उस वक्त चलता था, ज़बरदस्त चलता था। वो कहाँ चला गया जो खुला हुआ था अभी, ये रहा। हाँ ये पूरा कीबोर्ड होता था और साथ में ये टच स्क्रीन भी होती थी। फिर कुछ जो अभी मुझे वो वाला नाम नहीं याद आ रहा, नहीं ये तो टच नहीं है ना, टच वाले भी कुछ कुछ इसमें आते थे, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। आशा, नोकिया आशा, नहीं ये तो नए वाले आ गए। ये भी बाय द वे वही था, पुराना वाला टच था। तो इस तरह के होते थे फोन बाय द वे। चल यार उस वक्त वो आते थे एक फोन ना नोकिया वाले का, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ यार बड़ा अच्छा नाम था उसका नोकिया वाले का, 6600 होता है 5800। वेल डन यार, एग्जैक्टली मैं इसी का सोच रहा था, बिल्कुल सही बता दिया। ये रहा, एग्जैक्टली मैं इसी का ही सोच रहा था। ये स्टाइलस होता था इसके साथ और इसकी स्क्रीन होती थी, और ये जो स्क्रीन होती थी ना ये फुली टच, जो वन ऑफ द फर्स्ट फुली टच स्क्रीन्स थी ना उनमें से एक है, ठीक है। और एप्पल ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, कैपेसिटिव टच उन्होंने दिया था, इनमें कैपेसिटिव नहीं हुआ करता था, ठीक है, इनमें वैसे ही सादा वाला होता था। और इसमें शायद वो स्लाइड, एक इसका वर्जन ये वाला था और एक वर्जन था वो थोड़ा स्लाइड होके ना यूँ खुलता था, वो जो हमने पहले देखा था। वो अभी इसमें वो भी आ जाएगा कहीं, वो स्लाइड होके ना खुलता था तो उसमें यहाँ पे पूरा फुल कीबोर्ड हुआ करता था। नहीं ये तो नहीं खुलता था, ये वाला मैंने यूज़ किया पर्सनली, ये नहीं खुलता था, इसका एक वर्जन था वो खुलता था। तो वेल ये उस वक्त के ना मतलब उस वक्त के समझ लें कि एलीट फोन हुआ करते थे, बड़े महंगे होते थे, अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे आमतौर पर लोग। तो मैं भी बता रहा था कि मोबाइल फर्स्ट, तो ये वाले जब फ़ोन आने शुरू हो गए ना तो मोबाइल फर्स्ट के डिमांड आने शुरू हो गई। तो लोग क्या करते थे, वेबसाइट ऐसी बनाते थे जो मोबाइल पे खुल जाए, वेब में तो खुली जाएगी वेबसाइट, मोबाइल में खुले भाई, मोबाइल फर्स्ट चाहिए सब लोगों को। अच्छा तो उस वक्त फिर ये हाइब्रिड ऐप्स और ये सारी चीज़ें और ये PWA वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, कि अच्छा यार मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कैसे किया जाए, छोटी स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए एक वेबसाइट को लेकर। अब आ गया वॉइस फर्स्ट। तो ये वॉइस फर्स्ट काइंड ऑफ सेम चीज़ है कि भाई मोबाइल था, अब उसके बाद वॉइस एप्लीकेशन आ गई, सीरी आ गया है हर किसी के फ़ोन में, तो बोल के हो जाए सारा काम, है ना। तो जैसे अभी मैं यहीं बैठे बैठे पूछूं, हे सीरी व्हाट्स द वेदर, इट्स करंटली क्लियर एंड 26 डिग्रीज, इसको पता है। टुडेस हाई विल बी 35 एंड द लो विल बी 19 डिग्रीज। सही है, इसको देखो ये पता चल रहा है। अब ये वॉइस फर्स्ट के ऊपर एप्स हो और हर ऐप, यानी वॉइस फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो ऐप वॉइस पे प्राइमरीली वो चल रही हो, मोबाइल पे तो चली जाएगी, मोबाइल ऐप तो चली जाएगा, वॉइस पे यूज़र आ रहा है मेरा ज़्यादा उस पे, तो दिस इज कॉल्ड वॉइस। तो इन्होंने क्या लिखा है, वॉइस फर्स्ट हैव टू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट दे आर इंटेंडेड विद प्राइमरीली थ्रू, दे आर इंटरेक्टेड विद प्राइमरी थ्रू वॉइस, कि वो एप्लीकेशन प्राइमरी जो है ना वो वॉइस पे चलेगी, मोबाइल ऐप वगैरह भी होगी उसकी लेकिन वो साइड पे होगी। सेकेंड दे आर ओपन फॉर एक्सटेंशंस थर्ड पार्टी डिवेलपर्स। तो कह रहे हैं कि वो ना थर्ड पार्टी डेवलपर के लिए अवेलेबल हो कि वो उस पर कुछ ऐप बना सके अपनी, अलेक्सा जैसे कि।
अच्छा इंस्टेड ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर दे से बिफोर दिस दिस दिस. अच्छा यूजर क्या कह रहा है, अलेक्सा आस्क मेगा बैंक टू गिव माई बैलेंस. ठीक है, अलेक्सा सामने से कह रही है कि यू करंटली हैव दिस 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 बैलेंस इन योर चेकिंग अकाउंट एंड 216 इन सेविंग अकाउंट, वुड यू लाइक टू मेक अ ट्रांसफर. कहेगा भाई नो थैंक्स, ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे. तो ये उसी सेम चीज़ को इसने मुद्दा बनाया है कि जो बैंक में फ़ोन करके बात करते हैं या कस्टमर सर्विस से जो बात करते हैं कि भाई आप मुझे सिम लगाओ ऑफर के बारे में बता दें, तो सामने से मुझे बता दें सिम लगाओ ऑफर के बारे में. तो ये वही वाली इसने बात की है. अच्छा यहाँ पे भी इसने एक नोट लिखा था ऊपर कि यू हैव प्रॉबली ऑलरेडी नोटिस दैट एप्पल इज़ नॉट लिस्टेड हियर. ऑल्दो सीरी इज़ अ ग्लोबली पॉपुलर डिजिटल असिस्टेंट, सम होम पॉड शोरली बी सक्सेसफुल प्रोडक्ट. होम पॉड इन्होंने निकाल दिया था जब ये बुक लिखी गई है उस वक्त. एप्पल हैज़ नॉट डिसाइडेड टू ओपन अ थर्ड पार्टी डेवलपर. तो इसलिए एप्पल इस बुक में और इस लिस्ट में शामिल नहीं है क्योंकि एप्पल डेवलपर को ये अलाउ अभी तक उन्होंने नहीं किया 2023 तक कि वो सीरी के ऊपर अपनी ऐप्स बना सकें. ठीक है, बाय द वे वो अलाउ करते हैं थोड़ा सा. जब आप आईफोन की ऐप बनाते हैं ना उसमें 8 से 10 इंटेंट्स हैं, वो सिर्फ होता है उसमें. जैसे अगर मैं इसको कहूँगा ना कि अलेक्सा सॉरी हे सीरी प्ले लाइक्ड सॉन्ग्स ऑन साउंडक्लाउड. नाउ प्लेइंग साउंडक्लाउड वीकली ऑन साउंडक्लाउड. सही, तो साउंडक्लाउड एक ऐप थी उस पर इसने चला दिया. तो वो 8-10 इंटेंट्स हैं इसके, उसी पे ही चलता है. सही है, ये चल रही है, इसको मैं रोक देता हूँ. तो एक्सटेंशन इन्होंने अलाउ किया हुआ है, उस वक्त भी किया हुआ था, बट जनरली आप पूरी ऐप नहीं बना सकते उस पर. एक इंस्टॉल हुई भी ऐप है साउंडक्लाउड, जो साउंडक्लाउड का डेवलपर था उसने प्ले पॉज प्रीवियस और नेक्स्ट का इंटेंट इस पर लगाया हुआ है. वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, वो उसके ऊपर करना क्या है बस ये आपको उसने लगाना होता है. अच्छा, वॉइस फर्स्ट इजंट व्हाट यू रिमेंबर फ्रॉम योर बैंक फोन सिस्टम. कह रहे हैं कि भाई बैंक फोन सिस्टम में भी यही था. IVR पे आप जाते थे, आप कहते थे भाई 1 दबाएं 0 दबाएं बात करें, वो सारा काम वहीं पर हो रहा था. तो बात करके हो रहा था. अब ये वेब करा और वॉइस का थोड़ा सा ये वो कर रहा है, थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा है. पहले तो ये यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट्स वर अराउंड बिफोर अमेजोन एके. सीरी हैज़ बीन इन iOS डिवाइसेस सिंस 2011 में सीरी आ गई थी डिवाइसेस में. गूगल असिस्टेंट हैज़ बीन ऑन एंड्रॉयड फोन वन फ्रॉम अनदर सिंस 2016. 2016 में जो है ना, ये जो कह रहा है कि गूगल असिस्टेंट तो बाद में आया, लेकिन गूगल असिस्टेंट से पहले ना गूगल गो के नाम से चीज़ होती थी, तो वो भी आप वॉइस असिस्टेंट था छोटा सा वो. तो वो इसीलिए इसने लिखा है कि वन फॉर्म और अनदर. कोर्टाना हैज़ बिन बंडल्ड इन एक्सबॉक्स एंड विंडोज सिंस 2015 में विंडो के अंदर बिल्ट इन आ गया था कोर्टाना. दिस बुक विल टीच यू हाउ टू कोड अलेक्सा गूगल असिस्टेंट दिस 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 ऑल्सो चेंज. अच्छा अब ये एन ऑफुल वे टू थिंक अबाउट द वॉइस फर्स्ट शिफ्ट द बर्डन अवे फ्रॉम द यूज़र एंड ऑन टू डिवेलपर्स एंड डिज़ाइनर्स. कह रहे हैं कि अब क्या होगा, एक ऑफुल तरीका ही हो सकता है सोचने का इसको, कि वॉइस फर्स्ट क्या करेगा, बहुत सारा बर्डन जो यूज़र के ऊपर था ना, वो यूज़र से उठ के डिज़ाइनर और डिवेलपर के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, एंड वेन ही सेज के डिज़ाइनर एंड डिवेलपर, यू परफेक्टली अंडरस्टैंड कि हु इज़ डिज़ाइनर एंड हु इज़ डिवेलपर. Think about all the ways we help user on the web. कह रहे हैं कि वेब में क्या होता है कि हम डिफरेंट तरीके से ना यूज़र की हेल्प कर रहे होते हैं और वो चीज़ों को खुद फिगर आउट करता है. एंड कंसिडर हाउ वी कैन डू द सेम थिंग इन द वॉइस फर्स्ट. वेब के अंदर क्या होता है कि यू टाइप अ URL इन एड्रेस बार. आप लिखते हो facebook.com या facebook.com/profile. वॉइस में आप कहते हो कि हे गूगल आस्क फला फला ऐप टू परफॉर्म दिस दिस टास्क, है ना. जैसे मैं अगर गूगल असिस्टेंट से सॉन्ग प्ले करने कहूँगा तो मैं कहूँगा कि हे गूगल आस्क साउंड क्लाउड टू प्ले लाइट सॉन्ग्स, ऐसे करके बोलूँगा. ठीक है, लुक थ्रू मेन्यू. अब ये क्या करता है बंदा कि टाइप करने के बाद ना मेन्यू देखता है कि मेन्यू में क्या क्या है. मेन मेन्यू जिसको हम कहते हैं आजकल, उसको नेविगेशन बार कहते हैं. तो नेविगेशन बार को देखेगा कि अच्छा है उसमें क्या क्या है.
तो उसके बाद क्या करेगा, वो फाइंड करेगा लिंक के भाई, मतलब जो भी बात है, जैसे अभी सॉन्ग प्ले करने की अगर बात हो रही है तो मैं soundcloud.com पे जाऊंगा, उसमें मैं मेन्यू में जो भी मेन्यू का मतलब मैं नेविगेशन बार करूंगा या सर्च मारूंगा या जो भी करूंगा, मैं लाइट ट्रैक में जाऊंगा, कहीं ना कहीं मेन्यू में मैं नेविगेट करूंगा और एक लिंक फाइंड करूंगा मैं, यानी वो सॉन्ग फाइंड करूंगा मैं अपने लाइट ट्रैक के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस में फिल या फॉर्म भी हो सकता है, सही है, फिल फॉर्म या सबमिट फॉर्म हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है ना, क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये साइनअप का प्रोसेस हो रहा है अलबन, अभी हम देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, गो टू कन्फर्मेशन पेज, जब सबमिट करेंगे तो आर यू श्योर कि कन्फर्मेशन की चीज़ खुलेगी, क्लिक ऑन कन्फर्मेशन लिंक, व्यू कन्फर्मेशन लिंक। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई, हे गूगल आस्क एक्शन टू परफॉर्म दिस दिस टास्क, वो पूछेगा ओके व्हाट इज़ योर नेम, बंदे ने कहा भाई होली, ठीक है, ईमेल एड्रेस होली एट द रेट दिस 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 डॉट कॉम, ऑल राइट यू आर कन्फर्म्ड, सही है। तो ये वही बात ही पूछी जा रही है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से हो रहा है, इसमें यूज़र तलाश करता था खुद, इसमें हम क्या करते हैं, यूज़र को गाइड करते हैं सामने से। अच्छा, अब इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम और कुछ सॉल्यूशन का भी इन्होंने बताया हुआ है कि पेजेस विद लार्ज नंबर ऑफ नेविगेशन ऑप्शंस, अगर ज़्यादा पेजेस हो नेविगेशन बार में तो तीन चार दिखाते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकते, तो वही हाइड देम अवे इन ड्रॉप डाउन एंड हैम बर्गर मेन्यू, साइड में बर्गर मेन्यू बना देते हैं, तीन लकीर वाला जो मेन्यू होता है, ठीक है। दिस सेज इन एसेंस वी कुड नॉट डिसाइड दिस 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 मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये उसको कहीं ना कहीं छुपा देते हैं उसको। वॉइस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, मेक द ऑप्शन डिस्कवरेबल एंड इंट्यूटिव। इंट्यूटिव और डिस्कवरेबल का मतलब क्या है कि हम डिस्कवर करवाते हैं यूज़र को वक्तन फ़वक्तन कि भाई अगर यूज़र बैलेंस चेक कर रहा है तो हो सकता है उसको विदड्रॉ करना हो या ट्रांसफ़र करना हो, तो हम उससे पूछेंगे, जब बैलेंस पूछेगा बंदा तो हम बताएंगे भाई आपका बैलेंस इतना इतना है, वुड यू लाइक टू ट्रांसफ़र और विदड्रॉ, ठीक है। बंदा जवाब में बोल सकता है नो थैंक्स, या बंदा जवाब में बोल सकता है ट्रांसफ़र, या अगर सिर्फ ट्रांसफ़र पूछे तो यस भी बोल सकता है, तो इस तरह से हम डिस्कवरेबल बनाते हैं। फिल आउट फॉर्म्स, जो फॉर्म फिल करते हैं यूज़र वेब में, तो हम क्या करते हैं, आस्क यूज़र टू फिल इंफॉर्मेशन आउट एग्जैक्टली द राइट ऑर्डर, ठीक है, राइट प्लेसेस एंड एग्जैक्टली राइट फॉर्मेट। ये वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं वैलिडेशन लगा देते हैं कि अच्छा भाई नाम 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 कैरेक्टर ज़्यादा तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होता वो, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं भाई पासवर्ड इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, उसमें कैपिटल स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, सबमिट ही नहीं होता, ठीक है। ईमेल रिक्वायर्ड है, ईमेल का फॉर्मेट सही होना चाहिए, सबमिट नहीं होगा अदरवाइज वो। वॉइस में क्या करते हैं, हम हैंडल इनपुट इन नेचुरल वे, कंसिडरिंग दैट वट इज़ नेचुरल कैन बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम नेचुरल वे में इसमें ऐसे करते हैं कि भाई बंदे से पूछेंगे वट इज़ योर नेम, सामने से वो नाम बताएगा, कहेंगे यार वट इज़ योर ईमेल, ईमेल बोलेगा वो, हम उसको बोल के पकड़ लेंगे। अगर गलत बोलेगा तो हम बोलेंगे कि भाई दिस ईमेल इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ से योर ईमेल अगेन, या व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, तो बंदा फ़ोन नंबर बताएगा अपना, हम उसको पकड़ेंगे, सही। तो हम उसको नेचुरली जैसे बंदा बात करता है ना, जैसे किसी से आपने फ़ोन नंबर बोला कि यार आप बता फ़ोन नंबर बताओ, तो आप फ़ोन नंबर लिखा तो फिर आप कहते हैं अरे यार ये तो 11 डिजिट तो नहीं है, कम है, ये गलत है आपका फ़ोन नंबर, ये अब ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, सही है ये बताओ, है ना। तो यही सेम चीज़ हम चैट बॉट में करेंगे, हम कहेंगे आई एम रिपीटिंग योर योर नंबर। अगर वॉइस की बात हो रही है, अभी चैट बॉट की बात नहीं हो रही है, अभी वॉइस की बात हो रही है, चैट में थोड़ी सी चेंज हो जाती है चीज़ें, चैट में लिखा हुआ आ रहा होता है ना, बोल के नहीं हो रहा होता। तो अगर वॉइस फर्स्ट अभी ये बोल रहा है, अभी ये चैट बॉट पर भी आएगा कि वॉइस फर्स्ट और चैट बॉट में भी एक डिफरेंस है स्टिल, ठीक है। वो जस्ट मतलब जितने भी चैट बॉट के फ्रेमवर्क हैं वो टेक्स्ट पे काम करते हैं, वॉइस पे कोई भी डायरेक्टली काम नहीं करता, इवन दो अलेक्सा और ये भी नहीं करते, लेकिन एंड यूज़र डिज़ाइनर वाली बात है ना कि हमने उसको डिज़ाइन किया है चैट करने के लिए, डिज़ाइन किया है बात करने के लिए। तो जब ये डिज़ाइन चेंज आता है ना यहाँ पे, तो एंड यूज़र के लिए बहुत कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं जितनी तेज़ी से बोल रहा हूँ उतनी तेज़ी से लिख नहीं सकता मैं, अगर SMS पे बात हो रही है ना तो मुझे जवाब शॉर्ट शॉर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लंबे लंबे मैसेज के पैराग्राफ पढ़ नहीं सकता मैं, तो नहीं पढ़ूंगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा, शॉर्ट मैसेज करना पड़ेगा, SMS नाम ही इसका है शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगर वॉइस में है बात तो शायद थोड़ी लंबी भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत लंबी तब भी नहीं कर सकता,
अभी वो भी आगे डिस्कस होगा अभी है. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, प्रोवाइड यूजर डिफरेंट ऑप्शन एंड आस्क देम टू डिसाइड द मोस्ट रेलिवेंट ऑफ देयर नीड. अब इंफॉर्मेशन जब उनको एक्सट्रैक्ट करा के दिखानी होती है यूज़र को, तो वेब में हम क्या करते हैं, या तो कोई फॉर्म वॉर्म होता है, कोई सर्च बार होता है, उसमें बंदा टाइटल लिखता है, थोड़ा सा वीडियो सर्च कर रहे हैं जैसे आप यूट्यूब पे, तो टाइटल लिखते हैं, सर्च दबाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो जाती है. और रिट्रीव होकर दिखता क्या है स्क्रीन के ऊपर, 200 वीडियोज लाइन से आ जाती हैं, नंबर वन नंबर टू से आप देखना शुरू करते हैं और स्क्रॉल करके आप देखते हैं अच्छा कौन सी वाली मोस्ट रेलिवेंट है. वॉइस फर्स्ट में ये काम नहीं कर सकते आप. सिग्निफिकेंटली लिमिट द नंबर ऑफ रिजल्ट दैट कम्स बैक, ऑफन लिमिटिंग देम टू ओनली वन रिजल्ट. चैट जीपीटी से आप कोई बात पूछते हैं जब, तो वो आपको एक जवाब देता है, ठीक है, दो जवाब तीन जवाब भी देता आपको. तो अच्छा, दैट रिजल्ट नीड टू बी रेलिवेंट टू, वो रिजल्ट आपका रेलिवेंट भी होना चाहिए, और आप दो या तीन रिजल्ट दिखा सकते हैं ना आप उसको, बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकते. एक तो फैक्ट एंड फिगर्स हैं कि भाई आपने पूछा कि हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, तो वो तो सिंपल एक जवाब आपको मिल जाएगा उसमें. लेकिन आपने कोई और बात पूछी कि भाई शो मी वीडियो ऑफ फला चीज़, कोई भी बात, कि या आपने पूछा कि हाउ बिरयानी इज बींग प्रिपेयर्ड, या गिव मी रेसिपी ऑफ बिरयानी, तो वो क्या करेगा, एक वीडियो बताया कि हेयर इज़ द वीडियो ऑफ, हेयर इज़ द वीडियो फ्रॉम इंटरनेट टू हाउ टू प्रिपेयर द बिरयानी. तो इस तरह की कोई बात हो सकती है ना इसमें, फैक्ट एंड फिगर क्योंकि नहीं है, तो इसमें दो से तीन रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह करके आपको, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप वन पे लिमिट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप तीन रिजल्ट तक ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते आप. अच्छा, अब ये वाला जो चैप्टर है ना, डिज़ाइनिंग फॉर वॉइस यूआईज, ये तो हो गया, इसने बता दिया कि भाई वॉइस फर्स्ट क्या है. जो अभी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है, इसका मतलब इसमें हमने ये देख लिया कि वॉइस फर्स्ट क्या चीज़ है, कि प्राइमरीली ना बंदा बोल के बात कर रहा होगा, लिख के भी कर रहा होगा, बट प्राइमरीली बोल के कर रहा होगा, या मोबाइल ऐप से भी बात कर रहा होगा, टच में भी, स्क्रीन पर भी कर रहा होगा, बट प्राइमरीली बात कर रहा होगा. तो ये है वॉइस फर्स्ट. अब ये ना डिज़ाइनिंग फॉर वॉइस यूआईज, ये बुक आप सब लोगों के पास मौजूद है, ठीक है. अच्छा, ये कर दो कोई आपस में, आप में से कोई कर दो, है ना, किसी के पास एयर फोर्स पे डाल दो, एयर डॉट्स इज बॉर्न पर. अच्छा, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये एनाटॉमी वाला नहीं, बस ये इतना वाला, इतना यार आप लोग ज़रा पढ़ो इसको, सही है, और 5 मिनट का टाइम है आपके पास. उसके बाद मैं आपसे फॉलो अप लूँगा, मतलब आप में से फिर जो आपको समझ आया ना, आप वो शेयर करेंगे, फिर हम ऐसे करके क्लास को आगे लेंगे, क्योंकि क्लास ना बिल्कुल वन वे होती जा रही है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है. तो क्लास को थोड़ा टू वे बनाते हैं आपसे भी, क्योंकि पहले से बुक आपने पढ़ी नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो आप सुन रहे हैं. मैं चाहता हूँ टू वे हो, तो थोड़ा सा इसको पढ़ें, डिज़ाइनिंग फॉर वॉइस यूआई, और फिर टू वे चलाते हैं क्लास को, सही है. क्या समझ आया फिर? अच्छा जी, चलो इसको मैं भी ज़रा डिस्कस करता हूँ, फिर आपका ओपिनियन भी आ गया. और किसी का कोई ओपिनियन जो अभी पैराग्राफ पढ़ा इसके बाद ताल्लुक? बताया कि ये काम मैं नहीं कर सकती और ये काम है, आप ये कर सकते हैं.
वॉइस यूजर इंटरफेस VUI डिज़ाइन इज हाउ यूजर इंटरेक्ट विद वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म. अब ये डिज़ाइन का जो बेसिक जो डिज़ाइन हो रहा होगा ना, चीज़ हो रही होगी, है ना, जैसे कमरा डिज़ाइन करने में क्या होगा, कमरे में क्या चीज़ कहाँ लगेगी और लोग कैसे आ रहे जा रहे होंगे, कमरा कैसा रहेगा किस वक्त, ये तो वॉइस UI में क्या हो रहा होगा कि हाउ यूज़र इंटरेक्ट विद वॉइस, कि यूज़र क्या बोलेगा उसको क्या जवाब मिलेगा मिलना चाहिए. वॉइस इज बोथ समथिंग वेयर मोस्ट डिवेलपर हैव लिटिल एक्सपीरियंस एंड समथिंग वेयर दे हैव मोस्ट एक्सपीरियंस. कह रहा है ये अजीब सी बात है, वॉइस प्लेटफॉर्म पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो डेवलपर के पास वैसे तो देखा जाए तो बातें ज़िंदगी भर कर रहे हैं, बचपन से बातें कर रहा है बंदा जो डेवलपर है, ज़ाहिर है वो बंदा बातें तो करता है अच्छा, मगर वही सेम चीज़ है कि जिसका एक्सपीरियंस बहुत लिटिल है, क्योंकि बातें करना और बात है, क्या बात का क्या जवाब दिया जाता है ये तो पता है, ये और बात है, लेकिन एफिशिएंटली उसको क्या दिया जा, क्या जवाब देना चाहिए, किस जवाब से किसको क्या बुरा लग जाएगा, ये इसका एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को होता है. कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों के जो इंटरव्यूज़ लोग देखते हैं भाई, मिलियन मिलियन आप देखें यूट्यूब पर लोगों के इंटरव्यू पर आए हुए होते हैं व्यू, कुछ लोगों की बात ना आवाम सुनना चाहती है, लोगों को अच्छी लगती है उनकी बातें, हालांकि वो कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे होते, आम बात कर रहे होते हैं वो भी, लेकिन लोगों को अच्छी लगती है उनकी बात, तो कुछ लोगों की बात अच्छी नहीं लगती. अच्छा, ये वो वाली बात है कि बातें करना तो सबको आता है, लेकिन सही मानों में बातें करना ना बहुत कम लोगों को आता है, सही मानों में अपनी बातों में गोल गोल घूम घुमा के ना वो करना बहुत कम लोगों को आता है. वी हैव कन्वर्सेशंस एवरी डे फ्रॉम नियरली द मोमेंट वी वेक अप फ्रॉम द बेड एंड गो बैक टू द बेड. वी हैव बीन कन्वर्सिंग विद अदर्स सिंस वी वर टाइनी, छोटे से थे जब हम, एंड वी हैव बीन लर्निंग कन्वर्सेशन सिंस वी वर इन द वूम्ब. कह रहे कि इवन दो जब हम माँ के पेट के अंदर भी बच्चा होता है ना उसको सुनता है वो, सही है, और इवन दो के वो आवाज़ों को रिस्पॉन्ड भी करता है, ठीक है, तो क्योंकि ज़ाहिर है वो एक ज़िंदगी, एक बंदा ज़िंदा होता है बाकायदा, तो वहाँ से सुनने का एक्सपीरियंस वहाँ से, ठीक है, और जैसे ही फिर पैदा होता है तो एक से डेढ़ साल में वो बोलना सीख जाता है, तो बोलने का एक्सपीरियंस भी वो हो गया, होना शुरू हो गया. अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस वी ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड. अब यही मसला है, हम समझते हैं कि यार हमें बातें करना ना सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो आती हैं, और यही आपकी भूल है, बातें करना सीखने की ज़रूरत है हमें क्या, ज़रूरत नहीं है, हमें तो बातें करना आती हैं. अच्छा, तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमें लगता है कि यार हमें हम तो सिखाएंगे दूसरों को, हम क्या सीखेंगे, लेकिन यहाँ गलत, यहाँ पे गड़बड़ है. व्हाट मेक्स अ गुड कन्वर्सेशन, कि कैसे कन्वर्सेशन को अच्छा बनाया जाए ना, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, थैंकफुली देयर आर गाइडलाइंस. अब मिसाल के तौर पे वी टेक इट फॉर ग्रांटेड तो है, लेकिन कुछ लोगों को वाकई में नहीं आती, लेकिन वो भी समझ रहे उनको आती है, तो कुछ गाइडलाइंस है दैट मेक अ नेचुरल फ्लोइंग कन्वर्सेशन एंड व्हाट लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फ्रस्ट्रेशन. कह रहे कुछ गाइडलाइंस हैं खुशकिस्मती से कि जिनको फॉलो कर लेना आप, तो बाई डिफॉल्ट आपकी कन्वर्जेशन क्या हो जाती है, फ्लुएंट हो जाती है, नेचुरल हो जाती है आपकी कन्वर्जेशन, और वो उसको अगर आप वायलेट करेंगे किन चीज़ों को, तो वो भी पता है हमें कि मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रस्ट्रेशन का सबब बनती है. इट इज़ अ गुड टू रिमेंबर दैट वॉइस इज द मोस्ट नेचुरल इंटरेक्शन मैकेनिज्म वी हैव फॉर इंटरेक्टिंग विथ आवर कंप्यूटर्स. अब यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी चाहिए, कह रहा है कि भाई वॉइस जो है वो मोस्ट नेचुरल वे है, अगर कंप्यूटर से बातचीत हो रही है ना, बोल के बातचीत हो रही है, तो दिस इज द मोस्ट नेचुरल वे. थिंक अबाउट इट, हाउ ऑफन डू यू स्वाइप विथ योर फिंगर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग अ स्मार्टफोन और टैबलेट. जब स्मार्टफोन या टैबलेट यूज़ नहीं कर रहे होते, तो कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आप स्वाइप करते हैं, नहीं होता आमतौर पर, ठीक है, इवन दो के कुंडी भी लगाते हैं जब दरवाजे की, तो दैट इज़ नॉट अ स्वाइप, स्वाइप से बहुत डिफरेंट है वो. तो डिड योर एंसेस्टर या आवर एंसेस्टर रेगुलरली परफॉर्म मूवमेंट्स दैट आर सिमिलर ऑफ टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड. हमारे एंसेस्टर्स ने कभी ये कीबोर्ड पर टाइपिंग वाला कुछ इस तरह कुछ किया, कभी नहीं किया.
कंप्यूटर तो बनाए 40 साल पहले, 80s से पहले तो कंप्यूटर्स नहीं थे। चलो अगर कोई बंदा कहेगा नहीं 50s में बन गया था कंप्यूटर, तो फिर भी 70 साल हुए। हमारे एंसेस्टर्स यानी 200 साल पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा। वी ऑल नो हाउ टू यूज़ आवर वॉइसेस, हाउएवर बोलना कैसे है ना, जुबान कैसे चलानी है कैची की तरह, ये हमारे एंसेस्टर्स को भी पता था 200 साल पहले, 500 साल पहले भी था ये। अच्छा, टू बिल्ड अ गुड वॉइस यूज़र इंटरफेस यू वॉन्ट टू कंसिडर वॉट मेक्स अ गुड कन्वर्जेशन पार्टनर आउटसाइड ऑफ अ VOI सेटिंग। कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा वॉइस का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक अच्छा कन्वर्जेशन पार्टनर कौन होता है। ठीक है, अभी वॉइस UI को साइड पे करके ये बात सोची जा रही है। वैसे इन जनरल कभी आप बैठते हैं कहीं होटल पे किसी दोस्त के साथ बैठ गए, कुछ दोस्त होते हैं उनके साथ आप बातें करते हैं, लंबी बातें करते हैं। मेरे पास कई दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ मैं बैठता हूँ तो मैं 4-4 घंटे बातें हो रही होती हैं, लिटरल बातें, हालांकि खुश हो जाते हैं हमारे, 4-4 घंटे बातें होती हैं, बहुत सारे दोस्त। ठीक है, इतने टॉपिक होते हैं बोलने के लिए और बात करने के लिए, और इतना डेटा होता है एक्सचेंज करने के लिए कि वो ख़त्म नहीं होती बातें। ठीक है, तो अच्छा एक और भी बात है, मेरे स्पेसिफिक केस में ना मेरे पास कोई एक बंदा होता है ऐसा एट अ टाइम, मैं 1-to-1 वाला बंदा हूँ कि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ ना तो मुझे 1-to-1 कन्वर्जेशन पसंद है। तो मेरे पास एक दोस्त एट अ टाइम ऐसा होता है, नहीं होता तो मैं ढूंढ लेता हूँ वहीं से, बना लेता हूँ। ठीक है, जिसके साथ बैठ के बातें कर सकूँ मैं, लंबी बात है। तो कह रहे हैं कि वो VOI की सेटिंग से हटा के ना आउटसाइड वर्ल्ड जो है हमारी रियल वर्ल्ड, इसमें हम एक अच्छा कन्वर्जेशन पार्टनर कैसे बनता है, क्या उसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो उसको बनाती हैं एक अच्छा कन्वर्जेशन पार्टनर जिससे बात करने में आपको अच्छा लगता है। देन फैक्टर इन द लिमिटेशन पोज्ड बाय हाफ ऑफ द कन्वर्जेशन बीइंग हैंडल्ड थ्रू कोड। कह रहे हैं कि अब उसमें से भाई दो बंदे बात कर रहे होते हैं तो साइड बाय साइड कन्वर्जेशन हो रही, तो आप उसको क्या करेंगे कि एक साइड की जो कन्वर्जेशन है वो कोड के थ्रू हैंडल हो जाएगी, कोडिंग के थ्रू। जाहिर है अलेक्सा जो जवाब दे रहा है वो कोडिंग वाला पार्ट है, सही है, ये चैट बॉट आपका जो जवाब दे रहा है वो कोडिंग वाला पार्ट है, सामने से जो यूज़र बोल रहा है वो बंदे वाला पार्ट है। तो कह रहे हैं वो हम एक पहले ये सोचेंगे कि अच्छा कन्वर्जेशन पार्टनर क्या होता है, बीच से उसको स्प्लिट करके एक पार्ट हम कोड के थ्रू हैंडल कर लेंगे। तो ये होगा अप्रोच हमारा। थिंक अबाउट द बेस्ट People you have interacted with in a public setting. कह रहा है पब्लिक सेटिंग में, कैफे में, चाय की दुकान में, कॉफ़ी शॉप में, जो आप रिमेंबर करें कि आप जो बेस्ट लोगों से आपका इंटरेक्शन जो हुआ है, जो आपको याद रहा या जिनके साथ खड़े होकर आपने बात की, लाइक अ होटल का जो काउंटर होता है उस पर, या फास्ट फूड क्लर्क जो ऑर्डर लेने के लिए आता है, वेटर कहते हैं हमारे यहाँ, तो दे लाइटली हैड पर्सनैलिटीज़ दैट वर अप्रोप्रिएट फॉर दीज सेटिंग्स। कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली भाई जो वेटर आया होगा वो वेटर का एक ड्रेस होगा, एक खास अंदाज में उसने पूछा होगा कि सर क्या दे दूँ आपको, आपने पूछा होगा यार क्या अच्छा है आपके पास, सामने उसने बोला होगा भाई फला फला चीज़ हमारी बहुत चलती है, सही है, तो आपने कहा होगा ठीक है भाई ले आओ, दो ले आओ, एक ले आओ, सही है, साथ में फ्राइज़ कर दो, ड्रिंक कर दो, इस तरह की कोई बात हुई होगी। यू वुड एक्सपेक्ट अ बारटेंडर टू बी outgoing and energetic. Bartender जो होता है, हमारे यहाँ तो बार नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ bartender जैसी चीज़ कौन सी होती है जहाँ पे आप जाते हो तो सामने से energetic बंदा मिलता है आपको, हाँ सही है। हमारे यहाँ आमतौर पर जो waiter होते हैं दोपहर के खाने के होटल जो होते हैं उसके अंदर waiter जो होता है वो काफ़ी energetic होता है। हाँ, कैसे बताता है वो डिशों के नाम, दाल माँच, दाल चना जैसे पूरा वो बताता है, कहते हैं अब क्या ले कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, ये इस तरह करके करता है। या कुछ और भी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे, तो वेल ये बताना चाह रहे हैं कि अच्छा बारटेंडर का भी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूँ। बारटेंडर क्या होता है, वो उसका काम क्योंकि शराबे वराबे पिलाना होता है तो वो काफ़ी एक्साइटेड होता है, म्यूज़िक पे वो झूम झाम रहा होता है, वो यूँ बल स्टाइल से वो बना बना रहा होता है। हाँ हाँ, तो बस उस तरह के होते हैं ये बारटेंडर्स ना आमतौर पे। अच्छा, बट ब्रिंग द सेम पर्सनैलिटी टू अ नर्स इन एन ICU, ICU वार्ड होता है जो हॉस्पिटल का, उसमें कोई नर्स है ना, अब आप उस पर वो पर्सनैलिटी लगा के देखो कि बारटेंडर यानी वो मेन्यू बताता हुआ कि भाई दाल चना, दाल माँच, दाल चना, इसको आप एक ICU में कंसिडर नहीं कर सकते।
एक अलग माहौल है, एक अलग अंदाज है वहाँ पे. समथिंग वुड सीम अमिस, समथिंग नहीं बहुत कुछ मिस, बहुत डिफरेंट है, बहुत ऑड फील होगा कि अगर कोई नर्स से पूछा जाए ना कि हाँ यार, मतलब नर्स वार्ड से बाहर निकले और वो जैसे मेन्यू बताता है ना वेटर, ऐसे करके वो सामने बंदों को मरीज का हाल बताए, या रैप सॉन्ग में वो हाल बताए मरीज का, है ना, तो दिस वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट. पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट. दीज पीपल गेव यू द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर योर इंक्वायरी, आस्क फॉलो अप क्वेश्चन इफ समथिंग वॉज नॉट क्लियर, एंड कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट अराउंड यू इन द कन्वर्जेशन. अभी कॉन्टेक्स्ट की भी यहाँ पे बात आ गई. कह रहा कि जो ये जो भी लोग हैं ना, आप अगर बारटेंडर गए, फास्ट फूड लेने गए, या कहीं पे आप किसी टेक अवे ड्राइव थ्रू में आप गए, तो वहाँ पे बंदे जो होते हैं ना, वो आपसे राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं जो भी आपने पूछा है उसके अकॉर्डिंगली, और आपसे वो पलट के क्वेश्चन भी पूछते हैं अगर कोई चीज़ उनको समझ नहीं आती तो. और आपसे जब बात हो रही होती है तो आपके सराउंडिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो शामिल हाल होता है, ठीक है, शामिल हाल यानी कॉन्टेक्स्ट में होता है वो. अब कॉन्टेक्स्ट को मैं कैसे और इंग्लिश में बोलूँ, तो उर्दू का वर्ड इसके लिए शामिल हाल. तो कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ें ना, वो सब शामिल हाल होती है. मिसाल के तौर पर अभी अगर शारा फैसल पर मैं खड़ा हूँ तो पीछे ट्रैफिक जाम है अगर, और मैं ड्राइव थ्रू में घुसाऊँ, तो ट्रैफिक जाम इज़ द पार्ट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. या मिसाल के तौर पे अगर मैं ड्राइव थ्रू में गया हूँ तो वहाँ पे और क्या चीज़ हो सकती है कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई आज क्रिकेट मैच है, आज कोई बड़ा इवेंट है आज इस शहर में, दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट शामिल हाल होता है. कॉन्टेक्स्ट इवन दो अभी तक हमने डायलॉग फ्लो में कॉन्टेक्स्ट तक हम पहुँचे नहीं, हमने बीच में ब्रेक लगा के हम थोड़ा इधर आ गए थ्योरी में. Asking for the restroom does not require an answer that tells you there are restroom on the first, third, fifth and sixth floor, and that there used to be a restroom on the second floor but they are closed for the next month. समझ आई ये बात? रेस्टरूम वॉशरूम की बात हो रही है. सही है. तो ये एक तो इसने एक कॉन्टेक्स्ट ये तैयार किया कि अच्छा यार, जो बंदा जहाँ होगा ना, वहाँ की पर्सनैलिटी होती है, वहाँ की एक एनर्जी होती है, वहाँ का एक स्टाइल होता है बात करने का और जवाब देने का. फिर वो कह रहा है कि भाई अगर आपने किसी बंदे से रेस्टरूम पूछा है, अब ये दो लोगों की कन्वर्जेशन होती कैसी है ये पता तो है हमें, ये रियलाइजेशन की बात है, ये रियलाइज़ करवा रहा है कि आपसे किसी ने पूछा ना कि रेस्टरूम कहाँ है, तो उसके जवाब में ना ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि एक फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टरूम है, एक थर्ड फ्लोर पे, एक फोर्थ पे, और सेकंड पे भी ये हुआ करता था बट वो एक महीने से बंद है, उसमें पानी नहीं आ रहा है. कुछ लोग होते हैं ऐसा जवाब देते हैं, हाँ सारी कहानी सुना देते हैं. ठीक है, बट दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक, तो इसने कहा कि भाई ये ना, दीज कन्वर्जेशनल सर्वेंट्स ऑल्सो हेल्प यू आउट इफ़ यू गो इन अ जैम, इफ यू गॉट इन अ जैम. क्या मतलब? सर्वेंट्स ऑल्सो हेल्प यू इफ यू गॉट इन अ जैम. मे बी यू आंसर्ड अ क्वेश्चन इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, इफ यू डोंट दिस 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 दिस. ये पता नहीं इसने क्या बात लिखी, ये मुझे समझ नहीं आई. वेल, इफ यू डिडंट नो व्हाट टू डू, द पर्सन वॉज रेडी विद द एडवाइस टू वर्क विद द फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन. यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस्ड द ऑकवर्डनेस ऑफ समवन हु स्टूड देयर अनहेल्पफुली लुक्ड एट यू while you fumbled through this, don't let the VUI intimate that person. A good VUI this look by that. अच्छा, ये कुछ इसने बात की है कि यार sometime क्या होता है conversation में ना, आप फंस जाते हैं कि अब आगे क्या होना है आपको पता नहीं चलता. अब आप इधर उधर देखते हैं कि यार अब मैं क्या बोलूँ इसको सामने से. सही है,
अच्छा तो अब ये कह रहा है वी वाई में ये चीज़ कैसे होगी, हेलो वेलकम टू मेगा बैंक, व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे, चेक माई बैलेंस बोला इसने, ओके योर बैलेंस इज 1000 दिस दिस दिस, खत्म कहानी। लिस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज लॉन्ग बट द यूजर डज नॉट नो व्हाट कैन बी डन, यूजर को तो नहीं पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे चेक बैलेंस बोला तो ये हो गया, कल को इसने आगे बोला कि बाय स्टॉक, तो दिस ओपन्स अ पॉसिबिलिटी दैट यूजर माइट वांट टू डू समथिंग दैट इज नॉट सपोर्टेड, द वीयूआई कैन हैंडल इट द पॉइंट बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्शन एक्सप्लिसिटली। ऐसे पॉइंट पे हम क्या करते हैं जब कोई जवाब नहीं होता तो हम उसको बजाय ये करने के सॉरी आई कैन नॉट डू दैट ये बोलने के बजाय इसको हम अपॉर्चुनिटी समझते हुए उसको नई चीज़ें सजेस्ट करते हैं। बंदे ने बोला भाई बाय स्टॉक, हम कहते हैं कि भाई सॉरी बाइंग स्टॉक्स बाय वॉइस इज नॉट सपोर्टेड, यू कैन चेक योर बैलेंस हेयर रीसेंट ट्रांजेक्शन्स और फाइंड आउट मोर अबाउट योर ब्रांच, विच वन वुड यू लाइक टू डू। भाई उसको अपॉर्चुनिटी जानते हुए हम एक कुछ को सजेस्ट कर देते हैं। अच्छा ये आमतौर पर हम कैसे कर रहे होते हैं, ये वाला जो भी हमारे पॉसिबल इंटेंट्स होते हैं उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं हम एरे, और एरे में से रैंडमली तीन उठा के एक जुमला कंस्ट्रक्ट करके भेज देते हैं। अच्छा सर ये किस तरीके से लग रहा है कि यूजर ने बोला बाय स्टॉक्स तो हमने जो है वो उससे जुमला नहीं, वो तो डिफॉल्ट में जाएगा ना, डिफॉल्ट फॉल बैक इंटेंट में जाएगा। नहीं तो ये जुमला इसमें पहला पार्ट इसके कंस्ट्रक्ट किया बाय स्टॉक्स बाय वॉइस इज इट सपोर्टेड, ये बाइंग स्टॉक का इसने एक इंटेंट बनाया होगा फिर, अगर तो ये वाली बात इसने जवाब दी है। हमारे केस में अगर डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट है, सॉरी फॉल बैक इंटेंट है, उसमें तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि बंदे ने क्या बोला, तो हमें क्या करना पड़ेगा ये एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट इसके कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वैसे मैं फर्स्ट पार्ट में नहीं सेकंड पार्ट का सिर्फ कह रहा था, लेकिन चलो फर्स्ट पार्ट का तुमने पूछा है तो इसका फिर बकायदा एक इंटेंट बनेगा कि बाय स्टॉक, बाय स्टॉक की जितनी भी बातें होंगी सारी उसमें होंगी, लेकिन बाय स्टॉक के जवाब में हम स्टॉक बाय नहीं करेंगे, हम उसको ये बता देंगे पूरा। अच्छा तो हमारे पास कल को और भी इंटेंट होंगे और भी फीचर ऐड होंगे, तो ये चेक योर बैलेंस हेयर रीसेंट ट्रांजेक्शन और फाइंड मोर अबाउट योर ब्रांच, तो ये तीन जुमले पहले से बने हुए होंगे मेरे पास कि तीन ये फीचर्स कह लो या उसको या इंटेंट्स कह लो, एक मेरे पास बना हुआ होगा पहले से जो ग्लोबली होगा, वो कहीं बाद में भी कहीं यूज़ कर रहे होंगे हम किसी दूसरे इंटेंट में भी, तो हम क्या करेंगे उसमें से रैंडमली तीन उठाएंगे और तीन उठा के एक जुमला कंस्ट्रक्ट करके हम आगे कर देंगे। प्लग का हमने पढ़ा था वो फंक्शन, एक प्लग करके फंक्शन हमने बनाया था कि रैंडमली कोई भी आइटम उठाना हो अगर एरे में से तो प्लग करके उठाते हैं, ठीक है। वी वाई इज़ अबाउट एंटिसिपेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटेंशंस, गाइडिंग देम थ्रू द प्रोसेस एंड गिव देम द राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये देखो ये पूरी इसने बात कर दी, जो चैटबॉट का फ्रेमवर्क है ना पूरा, वो इस पूरे इसके ऊपर चल रहा है के कह रहा है कि वी यू आई क्या काम किया है कि एंटिसिपेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कि यूज़र क्या बोल रहा है उसको समझा जाए, ठीक है, यूज़र की इंटेंशन को समझा जाए कि वो इंटेंशन करना क्या चाह रहा है, गाइडिंग देम थ्रू द प्रोसेस कि वो होगा कैसे उसके थ्रू गाइड करना, कि भाई कह रहा है पिज़्ज़ा ऑर्डर करना तो सारी बातें पूछे हो सके, अच्छा ये चीज़ें मुझे बताओ, ठीक है, एंड गिविंग देम द राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नो मोर। अब ये जो नो मोर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो है, थोड़ा ज़्यादा भी तो बता सकते हैं बट ज़्यादा नहीं बताना, यही प्रॉब्लम है। अच्छा इन लेटर चैप्टर्स वी विल टेक अ डीप लुक एट हाउ कैन वी यूज कन्वर्जेशनल क्वालिटीज दैट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम बर्थ टू मेक वी वाई दैट यूजर वॉन्ट टू कम बैक। कह रहे कि हम अगले चैप्टर में अब ये सीखेंगे, लेटर चैप्टर में, ये नहीं बताया नाम इसने, कि हम वो जो हमारा टेकन फॉर ग्रांटेड है ना ये बातें करना बचपन से आती हैं, उसको इस लेवल तक कैसे लेके जाया जाए कि उसको वी यू आई में कन्वर्ट कैसे किया जाए हमारी अपनी खुद की इस स्किल को, और ऐसा वी यू आई जिसमें यूज़र वापस आना चाहिए, इसमें ऐसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। द फर्स्ट थिंग टू डू दिस टू अंडरस्टैंड द यूज़र टू डू दैट वी नीड टू सी हाउ वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म वर्क्स। अब यहाँ से इसने कहा कि थ्योरी थोड़ी सी हो गई है, अब हम ऐसे करते हैं कि बंदा जब बोलेगा तो हमें वो कैसे मिलेगा हमारे केस में। अच्छा तो एनाटॉमी ऑफ वॉइस कमांड, अब वॉइस कमांड जो होती है ना वो होती कैसी है, तो ये वो वाली बात कर रहा है, अब ये पूरा इसने ये टेक्निकल बात की है
इसको आप पढ़ सकते हैं, कह रहे हैं कि यार अलेक्सा या किसी भी ऐसे डिवाइस में जब बंदा बात करता है ना, तो वो क्या होता है, मुझे पीछे टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर मिलता है, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक केस में तो है ना क्या होता है, बंदा जो बोलता है वो NLU करके मुझे ये दे रहा होता है अलेक्सा उसको, ठीक है। लेकिन हमारे डायलॉग फ्लो में क्या होता है, हमारे डायलॉग फ्लो में ये होता है कि यूज़र एक जुमला टाइप करता है, सेंड का बटन दबाता है ना, तो डायलॉग फ्लो इज़ इट्सेल्फ एन NLU प्लेटफॉर्म या NLP प्लेटफॉर्म या NLU एक ही बात है एक्चुअली। तो डायलॉग फ्लो में जो हम इंटेंट्स बना रहे हैं, तो दैट इंटेंट इज एन NLU, ठीक है। एक AI का मॉडल तैयार कर रहे हैं डायलॉग फ्लो के अंदर, तो वो मेरा डायलॉग फ्लो इज़ एन NLP या इज़ एन NLU। अच्छा, इस डायलॉग फ्लो से गुजर के फिर फुलफिलमेंट में आता है जो हमारा Node.js का सर्वर है, ठीक है। अब मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, हाँ, स्पीच टैक्स कैसे बन जाता है। स्पीच टैक्स बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, जो स्पीच टू टेक्स्ट का चैटबॉट इटसेल्फ से या वॉइस एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीच टू टेक्स्ट की अलग से APIs बनी हुई है, आप कोई भी उसमें ऑडियो देते हैं वो आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे देता है, तो इस तरह से ये कन्वर्ट होता है। इसने ये थोड़ी लंबी बात की है यहाँ पे, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो बात की है ना, ये अलेक्सा स्पेसिफिक बात कर रहा है, तो अलेक्सा में ना इंटेंट इस तरह बनता है, इंटेंट का नाम होता है ऐसे, और उसके बाद आपने जो एग्जाम्पल जो फ्रेजेस होते हैं ना, जो वो आप इस तरह करके लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, अलेक्सा में इसको स्लॉट कहते हैं, हमारे पास इसको कहते हैं पैरामीटर्स डायलॉग फ्लो में ना, कि भाई मतलब गिव मी 1 पिज़्ज़ा ऐसे करके, तो वो ऐसे करके, ठीक है। और इसको ही कहते हैं अटरेंस, अटरेंस होता है कि मुंह से निकली भी कोई बात है उसको अटरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अटरेंस इनमें कहते हैं, हमारे यहाँ उसको कहते हैं ट्रेनिंग फ्रेजेस डायलॉग फ्लो के अंदर, ठीक है। तो हर इंटेंट के अंदर 3, 4, 5 या 10 ट्रेनिंग फ्रेजेस होंगे, और हर फ्रेज के अंदर कुछ 1-2 स्लॉट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये एनाटॉमी ये बताया है इसने। अच्छा, इंटेंट आर द फंक्शन ऑफ द स्किल, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितने इंटेंट होंगे उतनी फंक्शनैलिटीज होंगी, है ना। ये तो बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अच्छा, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए 1 इंटेंट होगा, स्टेटस चेक करने के लिए 1 और इंटेंट होगा, तो ये 2 इंटेंट का मतलब है कि 2 फंक्शनैलिटी, तो 10 फंक्शनैलिटी के लिए 10 इंटेंट, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि 1 फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए हमें 1 से ज़्यादा इंटेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन मोस्टली क्या होगा कि जितने इंटेंट होंगे उतनी ही फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। इसने कहा भाई टर्न ऑफ के लिए 1 इंटेंट, टर्न ऑन के लिए 1 इंटेंट, डिम द लाइट के लिए 1 इंटेंट, ये लाइट वाइट को लेके चल रहा है, अलेक्सा के केस में बात कर रही हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग द NLU विद सैम्पल अटरेंसेज, अब ये हमने ये वाला तो नहीं पढ़ना सारा, वो मैं साइड बार व्यू पे लाते हैं ना, अब हमें अगला कहाँ जाना है, साइड वाला क्यों नहीं आ रहा, बुकमार्क्स इसमें आता है, अच्छा यहाँ से आता है, टेबल ऑफ कंटेंट, क्यों नहीं आ रहा, अच्छा साइड बार, अच्छा। तो हमने ये व्हाट इज वॉइस फर्स्ट डिजाइनिंग वॉइस फर्स्ट पढ़ी, एनाटॉमी थोड़ा सा हमने देख लिया लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, अगला हमारा जो क्या था वो, हाँ ये रहा, डिज़ाइनिंग ऑफ वॉइस यूज़र, अब यहाँ आ जाते हैं, सही है, VUI फंडामेंटल्स। अब ये जो है ना हमारे 4 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं, एक तो ये हमने पढ़ लिया, इंट्रो हमारा हो गया कि अच्छा यार इस तरह से होता है ये। अच्छा, ये थ्योरी वाली बात आपको पता है पहले से, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल थोड़ा पहले कर लिया था, बट ये थ्योरी भी ज़रूरी थी, आपको पता होना चाहिए कि ये बातें यहाँ डिस्कस हुई हुई हैं। बाद में आपने इसको डिटेल में भी पढ़ना है, ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर बंदा पढ़ता है डिटेल में, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये मौजूद है। अब तो वॉइस UI के ना फंडामेंटल्स क्या हैं, ये चैप्टर जो है ना हमारा चैप्टर नंबर 3, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। VUI फंडामेंटल्स हम ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे हम अगली क्लास में पढ़ने के लिए इसको। अच्छा, बट आइडियली ये होगा कि आप ये ना चैप्टर नंबर 3 पढ़ दीजिएगा खुद से, तो यहाँ पर फिर कन्वर्जेशन हमारी ना 2-वे कन्वर्जेशन होगी,
क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी हमारी, तो अदरवाइज सिर्फ मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं ना, फिर वो क्लास में वो बात नहीं होती, मज़ा नहीं आता। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा तो